जो मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी और अर्ली फॉर्म्स ऑफ मनी है उनमें आपको डिफरेंस बताना है कि दोनों में क्या डिफरेंस है तो जो फर्स्ट डिफरेंस है मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी और अर्ली फॉर्म्स ऑफ मनी में वो ये है कि मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी में क्या इंक्लूडेड रहता है इंक्लूडेड रहता है करेंसी ठीक है मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी में करेंसी इंक्लूडेड रहता है जिसमें आपका आ जाएगा नोट या कॉइन्स पेपर नोट्स काइंस ये सब ठीक है और अर्ली फॉर्म्स ऑफ मनी में आपका रहता था कॉइन्स इंक्लूडेड रहता था कॉइंस डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉइंस अलग अलग मटेरियल का कॉइंस रहता था जैसे आपका रहता था गोल्ड कॉइन ठीक है गोल्ड कॉइन सिल्वर कॉइन आपका और आपका कॉपर कॉइन इस तरह के कॉइंस अर्ली फॉर्म्स यानी अर्ली टाइम्स में यूज होते थे जो सेकेंड डिफरेंस है दोनों में वो ये है कि जो करेंसी होते हैं उनके जो वैल्यू है ठीक है उनके जो वैल्यू है, है वो आपके डिफाइंड है कि एक जैसा वो हर जगह करेंसी का जो वैल्यू है वो एक जैसा रहता है वो डिफाइंड है लेकिन जो अर्ली टाइम्स के जो मनी है अर्ली फॉर्म्स के जो मनी है उनके जो वैल्यू है ठीक है उनके जो वैल्यू है वो अनडिफाइंड है वो चेंज है वो एक जैसा नहीं है जो आपका है, जो मॉडर्न जो करेंसी उसके, उसके है जो नोट्स है वो आपके ऑथोराइज होते हैं ऑथोराइज होते हैं मतलब कि आपके जो जैसे इन in इंडिया में आपका जो जो भी आपका वैल्यू डिसाइड करते हैं जो करेंसी डिसाइड करते हैं वो आपके आर वो आर गवर्नमेंट बैंक जो है वो डिसाइड करते हैं ठीक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और जो पहले के टाइम में जो मनी होते थे वो अनऑथराइज थे मतलब कि जब जो राजा बन गए वो उसके अकॉर्डिंग अपने मनी को वो चेंज करते थे वो उनका आ, कोई उनका ऑथराइज्ड वो नहीं रहता था अनऑथराइज थे वो ठीक है तो ये मेन डिफरेंसेस है मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी और अर्ली फॉर्म्स ऑफ मनी में आई होप आप सभी को ये डिफरेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा थैंक यू क्लास सिक्स ट्वेल्थ से लेके नीट आई आई टी और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज डाउनलोड करें डाउट नेटअप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर